छिछोरे बन गई सुशांत सिंह राजपूत के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। नमस्कार। सितंबर का महीना सुशांत सिंह राजपूत के लिए काफी लकी रहा था। 6 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म छिछोरे बॉक्स ऑफिस पर 133 करोड़ की कमाई करके सुपरहिट साबित हुई है। छिछोरे सुशांत के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। इस फिल्म से पहले सुशांत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 130 करोड़ का कलेक्शन किया था। यहां ध्यान देने बात यह है कि इतनी सारी फिल्मों के रिलीज के बाद भी छिछोरे सिनेमा हॉल्स में पिछले 3 हफ्तों से टिकी हुई है। दर्शकों के इस फिल्म के प्रति रुझान को देख के लगता है कि ये फिल्म कम से कम 2 हफ्ते और हॉल्स में रहकर 150 करोड़ तक का कलेक्शन आसानी से कर लेगी। छिछोरे फिल्म ने पहले हफ्ते में 68.83 करोड़, दूसरे हफ्ते में 40.47 करोड़ तथा तीसरे हफ्ते में इस फिल्म में 24.23 करोड़ का कलेक्शन किया। इस फिल्म ने पहले 5 दिनों में 50 करोड़ का कलेक्शन आसानी से कर लिया था। इस फिल्म को 100 करोड़ का आंकड़ा छूने में 12 दिन का समय लगा। 17 दिन में इस फिल्म का कलेक्शन 125 करोड़ हो गया और आज 3 हफ्ते बाद इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 133 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के कैरियर की सबसे अच्छी फिल्म बन गई है। आप में से कुछ लोग नितेश तिवारी जी को नहीं जानते होंगे। नितेश तिवारी ने ही आमिर खान की फिल्म दंगल स्क्रिप्ट लिखी थी और बाद में उन्होंने इसे डायरेक्ट भी किया था। दंगल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई। दंगल ने बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। दंगल हमारे देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है।